प्रांगण में पंद्रह आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के स्वरूप में उपस्थित रहते हुए मुझे बहुत खुशी है, आनंद है। नेहरू युवा संगठन मुंबई के सभी आला अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और जो 200 युवा यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे भी काफ़ी मुझे सीखने को मिला, उनसे भी प्रेरणा मिली। मेरी भी कुछ मन की बातें हैं उनके साथ मैंने साझा की, और ये बहुत सुखद अनुभव रहा मेरे लिए। देश की जो युवा शक्ति है उनको अच्छी दिशा मार्गदर्शन देने की बहुत ज़रूरत है, काम अच्छे तरीके से। और ये भारत सरकार की ये जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है मुंबई की शाखा है विशेष रूप से वो अच्छा काम कर रही है, उनको भी मैं सादर अभिवादन करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर एक सवाल है कि आपने युवा कहा था, युवा के बाद बोला कि आपने उल्टा करिए तो वाई होगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए युवा जब हम लोग कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि युवा के विपरीत उल्टा जो होता है वो होता है वायु, और वायु जो है वो एक शक्ति, और शक्ति को अगर अच्छे तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल ना करें, उपयोग ना करें, तो वो वायु की जो शक्ति है जैसे समंदर में अनेक जहाजों को भटका देती है, नैस कर सकती है, वैसे ही युवा शक्ति देश के लिए एक बड़ी शक्ति है। और हमारी चुनौती ये है कि उस शक्ति का अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए, उसको सही दिशा सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो उसी शक्ति हमारे देश की गरिमा अखंडता और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान करने के लिए सक्षम। सर आपसे जानना चाहेंगे निम्बा सर मुख्य रूप से आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जानना चाहेंगे और ये कितने दिवस का कार्यक्रम इस तरह से आगे सर यहाँ सबसे पहले मैं ऑलरेडी परेशान है कि वो इतना अच्छा
अपने में खाना तो दूर हुआ था, बच्चों की आप गाइड दीजिए और उसको अपने मीडिया पर प्रसारित कीजिए। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज भी ऐसे क्षेत्र है भारत में और ऐसे रियल स्टोरी बच्चे बताएंगे, हम लोग तो पढ़ के बताएंगे उनकी आप बात ले क्या क्या आपका खाना पीना है, कैसे रखता है, क्षेत्र में रहते हैं, कैसा वहाँ का माहौल है, ये देखिए तो देश को दिखाने का प्रयास कीजिए। राम आपसे है कि वाकई में आदिवासी समाज जो है बहुत निम्न समाज स्तरों से लोग देखते हैं, लेकिन आपके दिल में ऐसी कैसी भावना आ गई कि वाकई में निम्न स्तर के जो समाज के लोग हैं उनको आप ऊंचाई के निम्न वर्ग पे लाकर उनका सम्मान कराना, उनका मनोबल बढ़ाना और कहीं ना कहीं उनको शिक्षा के विभाग में आप उनको रास्तों पर करें, इस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? कार्यक्रम 8-10 सालों से हो रहा है और हर बार 250-300 बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ये हमारे भारत सरकार का प्रयास है कि ये हमारे मैसेंजर है, इसमें कई बच्चे जो ट्रेन नहीं देखे जो यहाँ से सीख के जाते हैं वहाँ वो 1 से 10 को ये बातें बताएं क्या है देश में क्या हालात है, क्या हम देख कर आए हैं, जो इनको नक्सलाइट और लाल बॉर्डर अलग तरीके से यूज करता है इनको उनके लोग सुने, उनमें से ये आए हैं ये अपनी बात वहाँ पहुँचाएंगे। यही भारत सरकार का और हमारे नेहरू युवा केंद्र का प्रयास है और इसी पे कार्य चल रहा है। और ये आज 15वां दिवस है आदिवासी का, उसमें खेल और कूद की भी बातें आती है, तो क्या वाकई में आप कहीं जो सारे स्टेट के अलग अलग से हैं वाकई में क्या आप खुद जाके वहाँ पे लोगों को अलग अलग लोगों को यहाँ पे लाने का कार्य किए, उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य किए, या वाकई में कहीं कहीं उनके हुनर देख के आपने खुद लुभा गए या उनके आपके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ आया हो? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, भारतवर्ष में युवा केंद्र के हर जिले में CEO ये जानकारी देश में लोगों को नहीं, हम लोग सिर्फ एक मेल भेजते हैं, CEO अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। मेरी माटी मेरा देश का भी ऐसे ही कार्यक्रम हुआ है, अभी कल ही एक ट्रेन मेरी माटी मेरा देश का कलश एक ट्रेन पूरी नाम से दिल्ली गई है, उसको महाराष्ट्र सरकार ने सारी सुविधाएं दी और साथ साथ में महाराष्ट्र के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो कल भी सीट पर आए और विद्यार्थी को 4000 रुपये पेटी के जेब में दिया, ये भी आज तक किसी स्टेट ने नहीं किया, पूरे भारत से ट्रेनें गई हैं, वो सरकार काम कर रही है। और जैसे आप पूछ रहे थे आदिवासी की आदि से योजनाएं कई वर्षों से 50-60 साल से किसी ने पूछा कि क्यों नहीं उनके पास गया, क्यों नहीं उनके पास आधार कार्ड है, क्यों नहीं उनके पास चीजें, ये तो हमारा आपका काम है, मीडिया का काम है पूछने का बताने का। आज भी महाराष्ट्र 1,00,000 रुपये का फंड जाता का है, अगर उन तक नहीं पहुँचा तो उनके बीच में गया का कौन था बता से NGO संस्थाएँ यही सब तरह से की चीज़ें। मैम आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं नेहरू युवा केंद्र तथा प्रकाश मनोरे जी और जो रायगढ़ तथा मुंबई जिले के संघटक हैं श्री निशांत रुदेला जी, इनको बहुत बहुत व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, बहुत कम पारी जो है
जनजातीय विभाग से बच्चे और बच्चियों से इतनी इतनी दिल से बात करने का मौका मिलता है. बहुत सारे जिलों से, पूरे भारत से जो यूथ, जो युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जैसे गुलदस्ता नहीं होता वैसे पूरा सभागृह जो है वो बहुत बहुत सुंदर और साथ ही में एक युवा शक्ति से प्रेरित मालूम पड़ रहा था. मैं आर्मी से, मैं बॉर्डर इलाके में, बॉर्डर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर रह चुकी हूँ. मुझे मेरे ट्रेनिंग तथा मेरे पोस्टिंग के दौरान जो जम्मू कश्मीर के काफ़ी दूरदराज के इलाकों में था, मुझे पता है कि बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसी छोटी छोटी जगहें जो कि गांव भी नहीं है, उससे भी छोटे से जगहों पर ट्राइबल क्षेत्र है और वहां तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है. अगर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सरकार, हमारी सरकार इसे इस मुकाम तक पहुंच पा रही है कि इन छोटे छोटे क्षेत्रों में से लड़के और लड़कियां बाहर आकर के एक संघ की शक्ति के साथ में एकत्रित होकर के कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर पा रहे हैं, एक नई जीवन शैली जो कि ज़्यादा स्वस्थ जीवन शैली हम कह सकते हैं. ट्राइबल या जनजातीय क्षेत्रों में हम अगर जाएं तो हम उनकी जो जीवन शैली है उन्हें तोड़ मरोड़ कर कोई नई जीवन शैली अगर हम उन्हें देते हैं तो वो कभी भी अपनाते नहीं. अगर उनकी जो जीवन पद्धति है, जो उनकी खान पान, रहन सहन की पद्धतियां हैं, उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें साथ लेकर के उसी के साथ में जो हम उन्हें नया या अच्छा दे सके तो उसमें एक उपलब्धि है. और नेहरू युवा केंद्र का जो मैंने कार्यक्रम देखा, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अच्छा खाना, जैसे कि हैबिटेट्स हैं वहाँ तक भी
जीवन शैली और स्वस्थ भारत जो है हम बना पाए। तो नेहरू युवा केंद्र का इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं समझ। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, ऐसा है कि मैं बोल ही नहीं सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी सतयुग में हैं और राम राज चल रहा है और मोदी जी सोचते हैं, मैं तो उनको राम के रूप में ही देखता हूँ और एक वानर सेना समझता हूँ और उन्हीं का जो विचार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि नारी शक्ति जो है, अगर वो शक्ति में थोड़ी सी इच्छा शक्ति जा गया ना, सब कुछ बदल जाए। आपकी जो संस्था है काफी लोगों को मदद कर रही है, उसके बारे में क्या पूछना है? मेरी संस्था किसी को मदद नहीं कर रही है, मैं उस संस्था का एक सदस्य हूँ, संस्था मेरा एक परिवार है। मैं भीख मांग के नोटबुक लाइन लगा के पढ़ाई किया हूँ और जो नोटबुक मिलती थी नहीं मिलती थी तो उसको मिटा के पढ़ता था। तो अगर मेरी बहनों को और मेरी भांजियों को अगर मैं वही बुक वापस कर रहा हूँ तो मदद का तो सवाल ही नहीं उठता, मेरा परिवार है और परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है, मुझे उनके लिए करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि और लोग भी ऐसे परिवार बनाएं और मदद ना करें, उनके साथ रहें, पढ़ें लिखाएं पढ़ाएं बच्चियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बाप पढ़ेगा तो अकेला पढ़ेगा, बच्ची पढ़ेगी पूरा परिवार पढ़ेगा। आगे वाले दिनों में कार्यक्रम वगैरह कुछ देने वाले महिलाएं नहीं, वो मेरी बहनें हैं। मैं महिलाएं शब्द से बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि वो मेरी बहनें हैं। बहनों के लिए जितनी मुझे माता रानी ताकत देंगी उतना तो मैं कर ही रहा हूँ, फिर भी हमारी बहनें और हमारी भांजियाँ 4 नवंबर को फिर आ रहे हैं और हम अपने परिवार में उनको जो ये हथियार है, तो ये परमाणु बम मिसाइल और ये जो चल रहे हैं ना, उससे बड़ा हथियार है पेन, वो पेन दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं और उस मिसाइल को रखने के लिए बैग दे रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि एक गर्लफ्रेंड हो शादी हो, कई बातें ऐसे आपने कहा था, लेकिन वो बात कहीं कहीं मुझे ये समझ में आया कि उस जिसको आपने कन्वर्ट करके कहा कि गर्लफ्रेंड बनाना हो किसी को तो माँ सरस्वती को बनाया जाए, जो हमको ज्ञान देती है, जो प्रदर्शित करती है, जो हमारे दिमाग को आगे बढ़ाती है, आने वाले समय में हमको अच्छा ज्ञान देगी, कहीं कहीं एक जगह पे मुकाम पे खड़ा करती है, इस पे क्या कहना चाहिए? मेरा बोलने का मकसद सिर्फ यही था, यही एक एक शक्ति है, विद्या शक्ति। माँ सरस्वती को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, धन छीन लिया जाएगा, गाड़ी छीन ली जाएगी, शौहरत छीन ली जाएगी। माँ सरस्वती अगर का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है तो वो आपके अंदर है और उनका एक करिश्मा इतना बड़ा है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। तो उसीलिए मैं अपनी माता रानी, अपनी सब कुछ, या बचपन में जब लोग बोलते थे कि गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं बोलता था कि हमारी सरस्वती माँ ही, ये जो 6 किताबें रखी हैं, 6 विषय, इन्हीं को मैं अपनी गर्लफ्रेंड, इन्हीं को अपना सब कुछ मानता हूँ, इन्हीं की पूजा करता हूँ। और मुझ पर भरोसा था कि अगर मैं माँ सरस्वती की पूजा करूँगा तो कभी ना कभी कुछ तो कर पाऊँगा। एक सवाल लास्ट है, कहीं भी जा यहीं पड़ा हो ना तो 10 बार चेक कराओगे, उसको वही पहचानेगा जो नहीं है। तो ये जो है ना हीरा है, देश के हीरा है, देश के भविष्य है। जब मैं भी बिना चप्पल के और नंगे पैर चलता था और राई का तेल लगा के जब मैं कॉलेज में जाता था ना, तो मुझमें भी लोग हंसते थे कि पागल कहाँ से आ रहा है, पागल ही इतिहास बनाते हैं। और ये जो हीरा बच्चे जो है ना, अगर ये चाह रहे ना तो अच्छे अच्छे कॉन्वेंट और अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल और अच्छे अच्छे इंफ्रा वाले ना, इनके सामने फेल हो जाएंगे। सिर्फ हमारा काम है कि हम इनको प्रोत्साहित करें।